जानते ही पद्मेश का इंटरनेट चलता नहीं, दौड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस हो या 4K मूवीज, बिजनेस की वीडियो कॉल्स हो या बच्चों का टाइम पास, सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और होए नो झगड़ा, और प्राइसिंग भी ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। तो आप भी लगवाओ, क्योंकि हर घर के लिए पद्मेश X500 जरूरी है। जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनगुड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में 7 माह पहले देव नदी के किनारे अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त MMC जोन के 62 लाख इनामी SZCM नक्सली कमांडर दामा उर्फ सुजान सिंह मरकाम के नाम से की गई। पुलिस विभाग से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 10 अक्टूबर 2023 को सोनगुड्डा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंदल पहाड़ी के नीचे देव नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त हेतु शव का फीमर बोन व दांत रिजर्व कर किए गए थे। मर्ग जांच के दौरान विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त शव MMC जोन के SZCM नक्सली कमांडर दामा उर्फ सुजान सिंह मरकाम का हो सकता है, जिसकी मृत्यु नदी में डूबने से हो चुकी। इस तारतम्य में नक्सलियों के द्वारा जारी किए जाने वाली पत्रिका में भी SZCM नक्सली कमांडर दामा उर्फ सुजान सिंह मरकाम की नदी में डूबने से मृत होने के संबंध में लेख किया गया था। उक्त शव SZCM नक्सली कमांडर दामा उर्फ सुजान सिंह मरकाम के होने की पुष्टि करने हेतु नामा के परिजनों ने रक्त सैंपल लेकर मृत शव के DNA से मिलान हेतु राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला सागर मध्य प्रदेश भिजवाए गए थे। यहां पर अज्ञात मृतक के शव की प्रिजर्व किए गए फीमर बोन व दांत व SZCM नक्सली कमांडर दामा के परिजन ब्लड सैंपल का DNA परीक्षण कराया गया। परीक्षण में अज्ञात शव का DNA और SZCM नक्सली कमांडर दामा के परिजनों का DNA एक दूसरे से मिलान हो गया। राज्य न्यायालय प्रयोगशाला सागर मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि 15 अक्टूबर 2023 को कुदुल पहाड़ी के नीचे देव नदी के किनारे जो अज्ञात शव मिला था, वह शव MMC जोन के स्पेशल जोन कमेटी मेंबर SZCM सुजान सिंह मरकाम उर्फ राजेश उर्फ दामा का था। बालाघाट पुलिस के द्वारा अज्ञात मर्ग की जांच के दौरान व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुए शव के फीमर बोन तथा दांत साक्ष्य के रूप में संग्रहित करके रखा गया था। नक्सली कमांडर दामा उर्फ सुजान सिंह मरकाम वर्तमान में MCMC जोन के SZCM था, जिस पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से 62 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें मध्य प्रदेश में 12 लाख, महाराष्ट्र में 25 लाख तथा छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली कमांडर दामा पर मध्य प्रदेश में कुल 63 गंभीर अपराध दर्ज।